आम जगह नहीं है, ये कोलकाता से तकरीबन 65 किलोमीटर दूरी पर धामाखाली पहुंचना पड़ता है सड़कों के द्वारा, और उसके बाद आपको पार करना होता है नदी, ये दारा नदी कहा जाता है इसे, और इसके दूसरे छोर पर है संदेशकाली जहां हम इस समय पहुंच रहे हैं। और संदेशकाली एक ऐसा टापू है जहां पर साजो सामान या साधन की कमी काफ़ी ज़्यादा है, और आप चौंक जाएंगे कि 2023 में भी संदेशकाली की स्थिति ऐसा है कि संदेशकाली में किसी भी शख्स के पास एक गाड़ी तक नहीं है, एक फोर व्हीलर गाड़ी तक नहीं है, क्योंकि संदेशकाली पहुंचने का कोई जरिया है नहीं, सिर्फ ये नाव है, और नाव के अलावा दूसरे छोर पर संदेशकाली नहीं पहुंचा जा सकता। आपको हम दिखाते हैं कि संदेशकाली में साजो सामान किस तरीके से ले जाया जाता है। यहाँ पर आप अगर बाइक की बात करें, सिर्फ उस तरफ बाइक एक साधन है, और तो दूसरी ओर टोटो जो ई रिक्शा कहा जाता है, वो ई रिक्शा ही एकमात्र साधन है पूरे टापू में। कहीं भी आपको जाना हुआ तो इसके लिए, और समय समय पर जो ज़रूरी सामान है, इमरजेंसी आइटम्स जिसे कहा जाता है, जैसे सिलेंडर्स, ये भी ढोकर ले जाया जाता है दूसरी ओर धामाखाली से, और यहाँ पहुँचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और इसी जगह पर शेख शाहजहां का गढ़ माना जाता है संदेशकाली दो नंबर ब्लॉक, हालांकि उसका प्रभाव एक नंबर ब्लॉक में भी है, लेकिन संदेशकाली दो नंबर ब्लॉक में सबसे ज़्यादा उनका प्रभाव माना जाता है, और उनके जो करीबी लोग हैं वहाँ उनके खिलाफ भी काफ़ी ज़्यादा आरोप आम लोगों ने लगाते आए हैं पिछले कुछ हफ्तों से, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि ये जो टापू एकदम अलग है, कोलकाता से पहुंचना काफ़ी मुश्किल है, दुर्गम रास्ता है, नदी में अगर उफान रहता है तो फिर नदी पार करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में लोगों के पास अगर रोज़गार की कोई ज़रिया आप बोले तो खासकर कोई रोज़गार की ज़रिया है नहीं। जो ज़्यादातर लोगों के पास रोज़गार का ज़रिया है वो खेती, और खेती ही एकमात्र मूल रोज़गार का योजना यहाँ के लोगों के पास है। और यहाँ शेख शाहजहां और उनके जो करीबी जैसे उत्तम सरदार या शिबू हाजरा, इनके खिलाफ आरोप है कि जबरन उन खेतों को लेने के बाद, उन हड़पने के बाद उसे उसमें भेड़ी बनाया जाता था, कुछ खेतों को जबरन लेकर वहाँ पर वो लोग खेती करते थे, जिस वजह से बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, और लोगों का आक्रोश पिछले कई सालों से, खासकर एक दशक से भी ऊपर के समय ऐसा हो गया है कि लोगों के मन में एक आक्रोश था। और जैसे ही ये घटना सामने आई, ईडी ने छापेमारी किया, उसके बाद शेख शाहजहां जब अपने घर से लापता हो गए, उसे अभी भी पुलिस ढूंढ रही है, कहीं ना कहीं लोगों में एक बल मिला, एक जोर मिला, एक हिम्मत मिला कि लोग सामने आकर अपने रोज को प्रकट करें, वो बताएं, क्योंकि उनके पास नदी के दूसरे छोर पर संदेशकाली में रहते हुए उनके पास सिर्फ रोजगार का जो जरिया वो सिर्फ था खेतीबाड़ी, और जिसे भी छीन लिया गया। अब देखना ये होगा कि हाईकोर्ट के हरी झंडी के बाद क्या शेख शाहजहां को पकड़ने में तत्पर होती है पुलिस। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के तरफ से ये साफ कर दिया गया कि हरी झंडी मिलने के बाद कोर्ट से 7 दिनों के अंदर शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस सेन गुप्ता, न्यूज़ नेशन संदेशकाली।